आपके अपने YouTube चैनल EDU आदित्य पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज के सेशन को शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है क्लास 12 का रिवीजन क्लास चल रहा है और आज हम लोग रिवीजन करेंगे गुडविल चैप्टर को, ठीक है। सारे कॉन्सेप्ट जो आपके लिए ज़रूरी है, जहां से प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनेंगे, उसके साथ साथ कुछ थ्योरिटिकल पार्ट्स जो आपके लिए ज़रूरी है वो मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। बाकी आप डिटेल में थ्योरी पढ़ चुके हैं, बस एक नज़र आपको देखना है ये सब चीज़, ठीक है। ये मैंने पहले से आपके लिए ड्रॉ कर रखा है ताकि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मैं पढ़ा सकूँ, ठीक है। तो सीधे तौर पे शुरू करेंगे हम लोग, तो चलिए देखते हैं। आप वीडियो को पॉज कर करके नोट करते चलना, ठीक है। यहाँ पर कहता है ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है। ख्याति के बारे में हमें पढ़ना है, गुडविल अपना चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर से क्वेश्चन हर हाल में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब गुडविल होता क्या है, तो गुडविल का मतलब होता है ख्याति, ख्याति का मतलब होता है प्रसिद्धि, ठीक है। जिस प्रसिद्धि से आप कमाते, लोग कहते हैं नाम में क्या रखा है, बहुत सारे लोगों का नाम बिकता है, ठीक है ना। उस कंपनी के नाम से बहुत सारी चीज़ें सेल होती हैं और जैसे उस कंपनी का ठप्पा किसी वस्तु पर लग जाता है ना, वो कंपनी वो वस्तु कीमती हो जाता है, ठीक है। उस वस्तु की सेलिंग बढ़ जाती है। बात समझ में आ रही, ठीक है। तो समझने का प्रयास करना, ठीक है ना भाई। तो क्या कहता है कि ख्याति क्या है। ख्याति एक तरह का अमूर्त संपत्ति है जो व्यवसाय के ग्राहक संपर्क, व्यवसाय के किसके, व्यवसाय के ग्राहक संपर्क। ग्राहक संपर्क का मतलब आपका अपने कस्टमर के साथ कितना कितना संपर्क है, ठीक है। कहाँ तक आप कस्टमर तक पहुँच सके हैं, ठीक है। और आपके कस्टमर के साथ कैसा संबंध है, प्रतिष्ठा कैसी है आपकी, इसी प्रकार के बहुत सारे घटकों पर, बहुत सारी बातों पर प्रतिबिंबित करता है, राइट ना। उसको रिफ्लेक्ट करता है, क्लियर है ना। तो ख्याति क्या है, एक प्रकार का अमूर्त संपत्ति है, ये याद रखना, ठीक है। ख्याति क्या है, एक तरह का अमूर्त संपत्ति है जो क्या करता है, एक ग्राहक को आप जो कंपनी के व्यवसाय के ग्राहक है उसके साथ आपका कैसा संबंध है वो दर्शाता है, प्रतिष्ठा कैसी है वो दर्शाता है, इसी प्रकार के बहुत सारे घटक है जिसको ये रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है ना। ये बात आपको समझ में आई क्या। तो ख्याति एक प्रकार का अमूर्त संपत्ति है, ठीक है ना। आप ये भी जोड़ सकते हैं कि ख्याति अदृश्य संपत्ति है। क्या है ये, अदृश्य संपत्ति है। आपने इसके बारे में बहुत बार पढ़ा है, हमने भी बहुत बार पढ़ा है आपको बैलेंस शीट के अंदर, ठीक है। आइए अभी हमें शॉर्ट रिवीजन करना है, इसलिए बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, शॉर्ट तरीके से हमको सारा चीज़ रिवीजन करना है। बहुत कम समय आपके पास बचा है एग्ज़ाम के, अकाउंट के एग्ज़ाम के लिए टेंशन है, सर पे है, परेशानी भी होगी, ठीक है। बहुत सारे सब्जेक्ट आपको रिवीजन करने हैं, तो इस लिहाज से आपको एक बूस्टअप क्लास के तौर पे आपको ये सीरीज प्रोवाइड किया गया है ताकि आप जो है कम से कम समय में सारी चीज़ों को रिपीट कर सके और एक ओवरव्यू बना सके अपने सभी चैप्टर के रिलेटेड, ठीक है ना। तो गुडविल क्या है, एक इंटेंजिबल एसेट है, इसी को हमने इंग्लिश में लिखा है। एसेट को रिफ्लेक्ट करता है किसके, बिजनेस के कस्टमर के कनेक्शन से। कनेक्शन कैसा है आपके कस्टमर के साथ, है ना, ये आपको दिखाता है गुडविल। और आपका रेपुटेशन क्या है और इसी तरीके के सिमिलर फैक्टर्स जितने भी है सबको ये रिफ्लेक्ट करने का काम करता है। मतलब जिसकी गुडविल अच्छी है वो ज़्यादा कमा रहा है, ठीक है। उसके कस्टमर अच्छे हैं, मतलब कस्टमर उसके पास बहुत है, इसका मतलब उसके गुडविल ज़्यादा है, उसकी ख्याति ज़्यादा है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना। कस्टमर ज़्यादा है मतलब उसकी ख्याति ज़्यादा है मार्केट में, उसका पकड़ मार्केट में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। कुछ बातें गुडविल के लिए और आप जानिए। गुडविल इनटैंजिबल एसेट, आप इसमें फिक्स एसेट भी जोड़ सकते हैं, फिक्स और इनटैंजिबल एसेट, राइट ना। अदृश्य संपत्ति क्या है बच्चे, अदृश्य संपत्ति है ना, क्या है ये, अदृश्य संपत्ति है, याद रखना। इसके बाद ये अट्रैक्टिव फोर्स है, अपने तरफ ये खींचने का काम करती है, ठीक है ना, अपने तरफ कस्टमर को खींचने का काम करती है। अगर आपकी बिजनेस की रेपुटेशन गुडविल अच्छी है तो आपकी तरफ कस्टमर खींचे चले आएंगे, राइट ना। इसके जो एग्जैक्ट वैल्यू है उसको असर्टेन करना बहुत मुश्किल होता है, उसको पता करना बहुत मुश्किल होता है। इसका जो है निश्चित वैल्यू पता करना मुश्किल होता है। इसका क्या होता है, निश्चित वैल्यू आप नहीं पता कर सकते, निश्चित मूल्य पता करना मुश्किल होता है, मालूम करना मुश्किल है, राइट ना। क्या है ये, मुश्किल है, क्लियर है ना, बहुत मुश्किल है,
क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू पता करना, आपको आपकी कंपनी को लोग कितना प्यार करते हैं, कितना चाहते हैं, ये पता करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, मुश्किल है नहीं, कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है, राइट ना। तो इसको आप कह सकते हैं कि इसका जो वैल्यू है, बस ये हम मान लेते हैं, कई चीज़ें हैं जिसको मानकर हम अपने गुडविल का वैल्यू निकाल लेते हैं कि हाँ भाई हमारी कस्टमर की संख्याएँ बढ़ रही है, हमारे कस्टमर के बीच में पहचान बढ़ रही है, रेपुटेशन बढ़ रहा है, हमारा प्रतिष्ठा बढ़ रहा है, तो हमने उस चीज़ को मान लिया कि हमारा गुडविल भी साथ में बढ़ रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यह हेल्प करता है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने में। ठीक है, नॉर्मली जो लोग कमाते हैं, ठीक है, उससे भी ज़्यादा हम कमा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि हमारा क्या है, गुडविल बहुत अच्छा है। ठीक है, तो गुडविल जिसकी अच्छी होती है ना, उसके उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होता है। गुडविल के बारे में आप एग्जैक्ट वैल्यू निकालना मुश्किल है, और अट्रैक्टिव फोर्स है, कस्टमर आपकी तरफ खींचे चले आते हैं आपकी गुडविल पे। ठीक है ना, इसीलिए गुडविल पर नाम कमाइए, पैसा अपने आप आएगा। क्या क्या समझ रहे हैं, नाम कमाइए, पैसा अपने आप आएगा। उसके बाद ये एक तरह का इंटेंजिबल फोर्स है। क्लियर है, कुछ बातें हमने और लिखा है आपके लिए। ये दो तरह का होता है, एक तो है कि आपने खुद खरीद लिया किसी से, किसी के नाम को भी आप परचेज कर सकते हैं, राइट ना। किसी कंपनी चलती फिरती अच्छी सी कंपनी से आपको आप परचेज कर लीजिए, जैसे ट्विटर को अभी परचेज कर लिया गया। ठीक है ना, तो आप किसी कंपनी के अगर उसके नाम को परचेज कर लेते हैं, उसको परचेज कर लेते हैं, तो उसकी जितनी भी गुडविल होगी सब आपके पास आ जाएगी, राइट ना। उसकी जितनी भी ख्याति होगी, जितनी भी रेपुटेशन होगी मार्केट में, सब आपका हो जाएगा, राइट। तो एक तो यह है कि आप चलती फिरती किसी भी गुडविल को परचेज कर लीजिए। गुडविल को परचेज का मतलब उसकी प्रतिष्ठा को परचेज कर लीजिए, उसकी कंपनी के नाम को परचेज कर लीजिए। तो उसकी कंपनी के नाम को परचेज कर लेंगे तो उसके जो जनसंपर्क है, जो ग्राहक हैं, सब आपके हो गए, प्रतिष्ठा आपकी हो गई, राइट ना। अब समझते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल होता है। स्वयं आप जनरेट कर सकते हैं गुडविल, मतलब अपनी मेहनत से, अपनी लगन से अपना नाम खड़ा कर सकते हैं। ठीक है, किसी किसी को विरासत में मिल जाती है नाम, किसी किसी को अपनी मेहनत से अपना नाम बनाना पड़ता है। यही बात आपको याद रखना है। ठीक है, अपनी प्रतिष्ठा से अपने नाम को आप अपनी मेहनत से की ऊंचाई से ले जा सकते हैं। तो ये अपनी मेहनत से जनरेट होता है, ये आप खरीद सकते हैं किसी से। ठीक है, तो इसके लिए आपने चूंकि पैसे चुकाए हैं तो आपने पेड करा है। आप इसको एराइज कैसे कर रहे हैं, परचेज होने से एराइज हो रहा है, मतलब ये तभी एराइज होगा जब आप परचेज करेंगे। तो आपने वैल्यू चुकाया है तो ये मॉनेटरी वैल्यू हो गया, और मॉनेटरी जितने भी वैल्यू होते हैं सबको बैलेंस शीट के अंदर शो करते हैं। फिर से समझिए, ख्याति क्या है, एक तरह का अमूर्त संपत्ति है जो बताता है कि आपका कस्टमर के साथ कैसा संबंध है, आपकी प्रतिष्ठा कैसी है। ख्याति खराब है, इसका मतलब आपके संबंध कस्टमर के साथ खराब है, आपकी प्रतिष्ठा मार्केट में अच्छी नहीं है। ठीक है, गुडविल किस तरह की संपत्ति है, तो गुडविल के बारे में और जानिए। गुडविल के बारे में जो पूछेगा कम से कम इतनी चीज़ें लिख कर आ सकते हैं आप। इंटेंजिबल एसेट होता है, अदृश्य होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है, और यह डिफिकल्ट होता है इसके एग्जैक्ट वैल्यू को पता करना। ठीक है, यह हेल्प करता है नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने में। ठीक है, टाइप्स ऑफ गुडविल, गुडविल दो तरह का होता है, एक परचेज गुडविल, दूसरा सेल्फ जनरेटेड गुडविल। इसको परचेज गुडविल को आप बैलेंस शीट में, मतलब अकाउंटिंग में शो करेंगे, लेकिन सेल्फ जनरेटेड गुडविल को आप अकाउंटेंसी में शो नहीं करेंगे, क्योंकि आपने इसके लिए पैसे नहीं चुकाए, राइट ना। आपके पैसे आपने इसके लिए नहीं चुकाए, आप अपनी मेहनत से इसको अर्न करें। ठीक है ना, तो जो गुडविल अपनी मेहनत से आप अर्न करते हैं उसको शो करने की ज़रूरत नहीं है बैलेंस शीट के अंदर। ठीक है, किसी भी बुक में उसको शो करने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए अकाउंटिंग नहीं होता है। ठीक है, आपने अपनी मेहनत से कमाया, आपकी मेहनत से आपको लोग जानते हैं, प्रतिष्ठा आपकी मार्केट में, इसका कोई वैल्यू नहीं है जो हम पेमेंट नहीं किया है। एक्चुअल में है तो बहुत कुछ है, ठीक है, लेकिन आपने उसके लिए एक्चुअल में पेमेंट नहीं किया है, तो ये एक नॉन मोनेटरी वैल्यू है, इसलिए इसको हम बुक में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। क्योंकि इस गुडविल के लिए आपने परचेज, इस गुडविल के लिए आपने पेड किया है, पैसे पेड किया है, इसलिए आप इसको शो करेंगे, राइट। अब बढ़ते हैं, हमारा मेन टॉपिक क्या है, हमारा मेन टॉपिक है कि आप गुडविल कैसे निकालेंगे। गुडविल निकालने के लिए बेसिकली चार तरीके हैं। ठीक है, एक है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, राइट। आप क्या करिए कि अपने प्रॉफिट का एवरेज निकालिए, ठीक है, ध्यान से अपने प्रॉफिट का एवरेज निकालिए, और आपका जो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्वेश्चन में दिया है उससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका निकल जाता है एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल। ठीक है ना, उसके बाद एक है वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, इसमें आपको वेटेज दिया जाएगा, जैसे 20,000 प्रॉफिट है इसका एक वेट दे देगा एक, 30,000 प्रॉफिट है इसका वेट दे देगा दो। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, जितने वेटेज एवरेज प्रॉफिट आएंगे,
ठीक है, सबको एवरेज निकाल लेना है और इसको नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये भी सिमिलर है, ये जैसा ये है वैसा ये भी है, लेकिन इसमें वेट रहता है तो उस वेट का ध्यान रखेंगे हम। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। सुपर प्रॉफिट मेथड में जब हम आएंगे तो सबसे पहले हम सुपर प्रॉफिट निकालेंगे, ठीक है, और सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल आ जाएगा। क्लियर है? सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है कि सिमिलरली जो नॉर्मली जो लोग कमाते हैं कुछ पैसा लगाकर, उससे ज़्यादा हम कमा रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं सुपर प्रॉफिट। तो इसको भी आप याद रखेंगे कि सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है नॉर्मल प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, राइट ना। नॉर्मली जो लोग कमाते हैं उससे ज़्यादा हम आकर कमा रहे हैं, ठीक है। नॉर्मली का मतलब यह है कि कैपिटल कितना लगाया उसने उस पर वो कितना कमाते हैं, जितना पूंजी लगाते हैं उसका कुछ परसेंटेज पैसा आप कमाते हैं, ठीक है ना। तो ये नॉर्मली कमाने का काम है, लेकिन आप इतना पे ही लगाकर ज़्यादा कमा रहे हैं तो जितना ज़्यादा आप कमा रहे हैं वो आपका सुपर प्रॉफिट है। जैसे मान लिया जाए 50,000 रुपया एक्चुअल प्रॉफिट है और नॉर्मल प्रॉफिट आपका 55,000 रुपया है, तो आपका जो सुपर प्रॉफिट है बच्चे, ठीक है, सॉरी यह 55 है और ये 50 है, ठीक है, तो आपका जो सुपर प्रॉफिट है वो 5,000 रुपया है, 55 में से 50,000 माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो एक तो तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है, तीसरा सुपर प्रॉफिट। अब आते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड में। कैपिटलाइजेशन मेथड में अगर एसपी आपको दे रखा हो, ध्यान से समझना, अगर आपको सुपर प्रॉफिट दे रखा हो तो कुछ नहीं करना, एसपी लिखना, रेट 100 ऊपर में लिखना और जो रेट ऑफ रिटर्न दिया रहेगा उसको नीचे मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर देना, ठीक है, ये तरीका है। लेकिन जब आपको एवरेज प्रॉफिट दिया रहेगा तो आप अपने एवरेज प्रॉफिट से ये पता करेंगे कि वो कैपिटल कौन सा है, कैपिटलाइज वैल्यू कौन सा है ना, कितना है जिस पर हमने एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से, रेट के हिसाब से कुछ एवरेज प्रॉफिट पर अर्न किया है, राइट ना। तो हमको कैपिटलाइज वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो एवरेज प्रॉफिट है इसको लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, अपॉन करेंगे रेट। क्वेश्चन पे जब आएंगे तो हम आपको और डिटेल में बताएंगे इसको, ठीक है, बढ़ते हैं। गुडविल अगर आपको एवरेज प्रॉफिट दिया रहे, ठीक है ना, तो उसके बाद आप पहले तो कैपिटलाइज वैल्यू निकाल लीजिए, फिर आप गुडविल निकालने के लिए क्या करेंगे, तो जो कैपिटलाइज वैल्यू है आपका वो लिखेंगे और जो आपने लगाया था वो लिखेंगे, ठीक है, और कैपिटलाइज वैल्यू में से जो आपने शुरू में लगाया था उसको माइनस कर देंगे तो आपका गुडविल आ जाएगा। वीडियो पॉज करके बाकी सारा रिवीजन चार्ट आप नोट कर लीजिए। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, ये बहुत आसान सा टॉपिक है, बहुत आसान सा चैप्टर है ना, सिर्फ आपको नॉर्मली कुछ बातें पता रहे तो इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगी, ठीक है, मेरा वादा है कि आप सारा क्वेश्चन बना देंगे, है ना, क्लियर है, समझ में आ रहा है, ठीक। तो रिवीजन चल रहा है, बहुत डिटेल में हम पढ़ा नहीं रहे हैं आपको, ठीक है, और ना आपको पढ़ना है बहुत डिटेल में, बस आपने पढ़ रखा है, आप थोड़ी थोड़ी रिवीजन कर लीजिए ताकि ध्यान रहे सारी चीज़ें, ठीक है। बहुत छोटा सा वीडियो रहता है ध्यान दिलाने के लिए कि आपको सारी चीज़ें याद है कि नहीं है, ठीक है ना भाई। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन करेंगे तो लेते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपके लिए है, ज़रा ध्यान से देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, बहुत सारा बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें 15,000 जो है वो लॉस में है, थोड़ा सा याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। चलिए तो एवरेज प्रॉफिट मेथड से हम लोग गुडविल कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हमने आपको दिया है, इस तरीके से क्वेश्चन आपके सामने रहेंगे, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट मेथड का मतलब ये है कि आपके पास जितने भी प्रॉफिट और लॉस दिया है उसको आप उसका आप एवरेज निकाल लीजिए, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 पाँच साल का प्रॉफिट दिया है, प्रॉफिट और लॉस दिया है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट निकालना है। एवरेज प्रॉफिट को शॉर्टकट में एपी लिखते हैं, राइट ना। आपको क्या करना है, सभी को जोड़ना है, ठीक है, कैसे जोड़ना है भाई, तो आपको किस तरीके से जोड़ना है ये देखिए, 25,000 रुपया है प्लस में लिख दीजिए, प्लस में 40,000 प्लस में लिख दीजिए, है ना, लेकिन 15,000 लॉस में चल रहा है तो इसको आप माइनस में लिख दीजिए। उसके बाद फिर देखिए 80,000 प्लस में चल रहा है, प्रॉफिट है तो इसको प्रॉफिट में लिखिए। फिर आप क्या करिए, 1,00,000 प्रॉफिट है, प्रॉफिट में लिख दीजिए। और ज़रा ध्यान से देखिए कितने हुए, 1, 2, 3, 4, 5 पाँच से आप डिवाइड कर दीजिए, ये आपका निकल आएगा एवरेज। आप ज़रा इसको जोड़िए क्या होगा, 1,80,000 80,000 और ये 80 और ये 40 कितना हो जाएगा, 2,20,000 2,20,000 और यह हो जाएगा
15 घटा देंगे तो 10, 2,30,000 रुपये। तो 2,30,000 रुपये आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। आप डिवाइड कर देंगे इससे तो 4×5=20, 6×5=30, 46,000 रुपये आपका एवरेज प्रॉफिट आएगा, ठीक है ना। अब आपको गुडविल निकालने के लिए क्या करना होगा, तो गुडविल निकालने के लिए बच्चे ये जो एवरेज प्रॉफिट आया है, ठीक है ना, एवरेज प्रॉफिट आया है, इसको आप नंबर ऑफ ईयर्स परचेस से 4 से, यहाँ लिखा रहेगा नंबर ऑफ ईयर्स परचेस, ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एवरेज आपके पास है 46,000, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 0,0,0 है ना, 16×2=18, 1,84,000 रुपया ये आपका आंसर रहेगा, ठीक है। तो ये आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड से आंसर आ गया, बिल्कुल नोट कर लीजिए इससे ज़रा, है ना, वीडियो को पॉज करके कि नोट कर लीजिए। अब कुछ और क्वेश्चन लेते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराना है ताकि आपके कॉन्सेप्ट बेहतर हो सके और आपने का जो मिस हो रहा है जो भी टॉपिक वो आप कवर कर सके। टॉपिक वाइज पढ़ना है, ठीक है, पूरा किताब पूरा बहुत सारे मार्केट में बुक है, सब नहीं पढ़ सकते। अब आपके पास कुछ समय बच गया है, रिवीजन के हिसाब से मेरे हिसाब से बेस्ट क्लास हो रहा है आपका, ठीक है। तो आपने एवरेज प्रॉफिट मेथड से क्वेश्चन निकालना सीख लिया। लॉस अगर नहीं होगा तो यहाँ पे प्लस लिख देना, सबको प्लस करना पड़ेगा। अगर लॉस होगा तो उसको सिर्फ माइनस में लिख देना, बाकी सब प्लस कर लेना और उसको माइनस कर देना जो लॉस में है, ठीक है ना भाई, समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए देखिए अपना क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए इस टाइप के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, टाइप बाय सारे क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ताकि ओवरऑल रिवीजन हो जाए आपका, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन अगर आपको दे दें कि एवरेज प्रॉफिट मेथड से आप निकालिए, आप क्या करेंगे, इस प्रॉफिट को जोड़ेंगे, इस प्रॉफिट को जोड़ेंगे, इस प्रॉफिट को जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे और इसको माइनस कर देंगे। लेकिन ज़रा रुक जाइए, इसमें ये क्या लिखा हुआ है, इसको ज़रा पढ़िए, इसमें ये लिखा क्या है, एक्चुअल में ये क्या लिखा हुआ है। तो इसमें कहा है कि इसमें 2000 का इंक्लूड किया गया है अब नॉर्मल प्रॉफिट, भाई बिजनेस से जुड़ा हुआ नहीं है लेकिन हम उस प्रॉफिट को इसमें इंक्लूड किए हुए हैं, ठीक है, बिजनेस के ऑपरेटिंग से के अलावा जो प्रॉफिट है वो अब नॉर्मल प्रॉफिट कहलाता है, ठीक है, इसको हमने इसमें इंक्लूड कर रखा है। लेकिन जो हम गुडविल निकालते हैं बच्चे, हम जो गुडविल निकालते हैं वो किसका निकालते हैं, वो बिजनेस का निकालते हैं। अगर ये 1,000 रुपया इसमें जुड़ा हुआ है तो हम हटा देंगे, ठीक है। तो हम एवरेज निकालते समय हम क्या करेंगे, पूरा इस बात का ध्यान रखेंगे कि इसमें किसी तरह का अब नॉर्मल प्रॉफिट या लॉस शामिल नहीं हो। तो एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 3,000 में से 1,000 माइनस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2,000 रुपया हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, इसमें इसी तरीके से इसमें कहता है कि आप घटा लीजिए इंश्योरेंस प्रीमियम को, आप क्या करिए घटा लीजिए, जैसा ये कह रहा है वैसा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 5,000 रुपया, ठीक है। इसमें कहा है कि आप घटा दीजिए तो हमने घटा दिया, लेकिन इसमें जरा ध्यान से देखिए, इसमें कहता है अब नॉर्मल लॉस हमने शामिल कर दिया है, चार्ज कर दिया है, ठीक है। एक तो इसमें कहा था कि आप हटाइए, इसमें कहा हम चार्ज कर चुके हैं लॉस को, वो एबनॉर्मल लॉस है, हमने इसको चार्ज कर रखा है। हमने कहा कि क्यों चार्ज किया, हमें तो बिजनेस का गुडविल चाहिए, क्यों चार्ज किया, क्यों माइनस किया, तो हम क्यों माइनस किया ये सवाल का जवाब चाहते हैं तो वापस प्लस करना पड़ेगा। तो जो माइनस कर दिया था उसको प्लस कर दीजिए, जो प्लस कर दिया था वो माइनस कर दीजिए, जिसमें आपने कुछ नहीं किया तो कुछ मत करिए। यहाँ पर 3 का 3,000 रुपया यहाँ पर लिखा जाएगा, है ना भाई। इसके बाद यहाँ पर लॉस 1,000 रुपया, तो यहाँ लॉस लिखा जाएगा 1,000 रुपया। अब जरा ध्यान से देखना ऊपर में कितना है, 1, 2, 3, 4, 5 है, 5 से डिवाइड कर दीजिए, ये टोटल कितना हो जाएगा, 7,000, 7×3, 10, 10×3, 13, 13 में से 1,000 हो जाएगा तो 12,000 रुपया यहाँ पर आएगा। 5 से डिवाइड कर दीजिएगा तो 24×5=120, ये 2,400 रुपया आएगा। अब 2,400 रुपया आ गया है तो गुडविल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसी स्पीड में आपको रिविजन करना है, इसी स्पीड में रिविजन करना है अभी, ठीक है। गुडविल बराबर क्या हो जाएगा, बहुत सारे टॉपिक है जिसको टच करना है, ठीक है। 2,400 रुपया नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2,472,000 रुपया आपका आंसर आ जाएगा। जल्दी से नोट करिए। अब वेटेज वाला आपको सिखाते हैं, वेट अगर दिया रहेगा तो कैसे आप निकालेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट में दो टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, एक तो सिंपल रहेगा, दूसरा अगर रहेगा ये इस तरीके से इंक्लूड करके देगा तो आप इसी तरीके से इसको एडजस्ट कर देना, जो प्रॉफिट है उसको माइनस कर देना, जो लॉस है उसको प्लस कर देना, और जो कहा है कि माइनस करो तो माइनस करके लेना, ठीक। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए इस क्वेश्चन में हमें सीखना है कि अगर आपको वेट दे दिया है तो किस तरीके से आपको गुडविल निकालना है, ठीक है। आपको बस कुछ नहीं करना है, वेट का मतलब यह है कि ये एक बार काउंट होगा, ये दो बार काउंट होगा, ये तीन बार काउंट होगा, ये चार बार काउंट होगा, ये पांच बार काउंट होगा। तो तीन बार चार बार काउंट करने से अच्छा है कि इसको 2 से 3 से गुना कर लीजिए, गुना करके जोड़ लीजिए, ठीक है ना। अब मेरी बात समझ रहे हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक आप कॉलम ले लीजिए ईयर का, ठीक है,
एक कॉलम ले लीजिए प्रॉफिट का, ठीक है ना, एक कॉलम ले लीजिए वेट का, है ना, ऐसा ले लीजिए, है ना, एक कॉलम ले लीजिए इन दोनों को गुणा करने का, जिसको हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है ना भाई। तो अपना जो ईयर है वो आपको नहीं पता है, जो दिया रहेगा तो दे दिया रहेगा, अगर वो दिया हुआ है कोई भी ईयर दिया हुआ है तो ठीक है उसके अकॉर्डिंग बैठा देंगे, नहीं दिया है तो 1 2 3 बैठा दे रहे हैं, 1 2 3 4 5, ये फिफ्थ ईयर है, 5 साल का ये प्रॉफिट है, ये ईयर है, ठीक है, या इस तरीके से आप लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, ये फिफ्थ ईयर तक का प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट है उसे आप शामिल कर लीजिए, 20,000 रुपया है इसको भी लिख दीजिए, 30,000 रुपया है इसको भी लिख दीजिए, 40,000 रुपया है इसको भी लिख दीजिए, 50,000 रुपया है और इसको भी लिख दीजिए, 55,000 रुपया। अब आप इसका वेट लिख दीजिए, वेट का मतलब ये एक बार काउंट होगा, ये दो बार काउंट होगा, ये तीन बार काउंट होगा, ये चार बार काउंट होगा, ये पाँच बार काउंट होगा, मतलब इन दोनों को गुना करेंगे तो ये 20,000 ही होगा, ये दो बार काउंट होगा तो ये 60,000 रुपया हो जाएगा, और ये तीन बार काउंट होगा तो ये 1,20,000 हो जाएगा, और इसको जब जोड़ेंगे तो ये 2,00,000 रुपया हो जाएगा, ठीक है ना, और इसको काउंट करेंगे तो ये 5 25 5 25 2 75, 2,75,000 रुपया होगा, ठीक है ना, ये 2 2 4 1 5 लाख हो जाएगा, 5 1 6 लाख होगा, 6,75,000 रुपया टोटल हो जाएगा, तो 6,75,000 रुपया हो गया, ठीक है ना। अब आपको आपको क्या निकालना है, वेटेज एवरेज प्रॉफिट निकालना है, वेटेज है ना, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है, तो इसके लिए क्या करेंगे कि जो टोटल आपने प्रोडक्ट किया उसको ऊपर में रख देंगे, ठीक है, 6,75,000 को ध्यान रहे, और इस बार आपको क्या करना है, ये नहीं काउंट करना है 1 2 3, ये नहीं काउंट करना है, ये जो वेट दिया है ना इसको टोटल काउंट करना है, ठीक है, मतलब ये है कि एक बार है तो एक लिखाएगा, ये दो बार है तो दो जोड़ेंगे, ठीक है, तो 1 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 से आप डिवाइड कर देंगे, ठीक है, 15 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, 15 6 7 15 5 75, 45,000 रुपया आपको आएगा, है ना, एवरेज आ गया। अब इसको गुना कर देना है नंबर ऑफ ईयर्स परचेस से, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हमने दिया है क्या, बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज, ठीक है, 3 से गुना कर दीजिए तो गुडविल आपका कितना हो जाएगा, तो इसी स्पीड में आपको गुना करना है, ठीक है, इसी स्पीड में थोड़ा पढ़ाई करना है, पूरा चैप्टर को कवर करना है, पूरा टॉपिक को कवर करना है, तो आपको तो स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, 5 या 15 4 या 12 1 13, 1,35,000 रुपया गुडविल आ रहा है, ठीक है ना, 1,35,000 रुपया गुडविल आ रहा है, राइट ना, नोट कर लीजिए, इसे जल्दी से आप नोट कर लीजिए फटाफट से, ठीक, चलिए वीडियो को पॉज करिए, नोट करिए, बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, ठीक है, तो ये हमारा एवरेज प्रॉफिट में जो दोनों टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया। अब आइए सुपर प्रॉफिट के टॉपिक को टच करते हैं और आपको समझाते हैं किस तरीके से उसमें क्वेश्चन आएंगे। देखिए अपना टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक ये है कि SP मेथड से आप कैसे गुडविल निकालेंगे, अगर मेथड सुपर प्रॉफिट से जुड़ा होगा तो किस तरीके से गुडविल निकालेंगे। सबसे पहले आपको सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, ठीक है, सुपर प्रॉफिट का मतलब ये है कि आप कितना लगाकर कितना कमाते हैं, मतलब लोग कितना लगाकर कितना कमाते हैं। मान लिया जब मैं कहता हूँ कि 50,000 के बिजनेस पर 10% का मुनाफा होता है तो आमतौर पर लोग कितना कमाएगा, 5,000 रुपया कमाएगा। अब मैं कहता हूँ कि मैं नहीं 5,000 नहीं कमा रहा, मैं 6,000 कमा रहा हूँ, ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि आप सबसे ज़्यादा कमा रहे हैं 1,000 रुपया, ये आपका सुपर प्रॉफिट है, ठीक है, और इसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर निकल आएगा, ठीक है ना। आप समझते भी हैं, आपने बनाया भी होगा इस टाइप का क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन आपने बनाए होंगे, ठीक है, अभी आपको कहाँ से क्वेश्चन करा रहा हूँ ये आपको नहीं ध्यान रखना है, आपको क्या करा रहा हूँ वो ध्यान में रखना है, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट आपको दे ही दिया है, आपको कैपिटल दे दिया है और इसका रिटर्न दे दिया है, आपको निकालना होगा नॉर्मली कितना कमाते हैं, तो नॉर्मली कमाने का मतलब ये है कि कितना लगाकर कितना परसेंट कमाते हैं, तो 3 लाख का कैपिटल लगाकर 10% कमाते हैं, मतलब 30,000 रुपया हम कमा सकते हैं, लेकिन आपको ये कहा है कि आप औसतन अभी एवरेज प्रॉफिट 50,000 कमाते हैं, लेकिन हाँ इसमें एक चीज़ छूटा हुआ है, एक चीज़ छूटा हुआ है, ये 5,000 रुपया पर मंथ आपका वेतन छूटा हुआ है, तो अपने प्रॉफिट में से 5,000 पर मंथ वाला वेतन घटा देंगे तो आपका जो एवरेज प्रॉफिट आएगा वो होगा 50,000, ये 5,000 माइनस कर लीजिए, चूँकि माइनस है नहीं उसमें तो माइनस कर, नहीं रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर दिया है कि माइनस करना है तो माइनस कर दीजिए। तो आप जो है नॉर्मली लोग 30,000 कमाता है, लेकिन आप औसतन कितना कमा रहे, 45,000 कमा रहे हैं, तो आप सुपर प्रॉफिट कितना कमा रहे हैं, तो आप 45,000 में से, है ना, जो सब कमाता है
30,000 रुपया माइनस करिए तो आपको पता चल जाएगा कि आप 15,000 रुपया औसतन ज़्यादा कमाते हैं, ठीक है। यही आपका सुपर प्रॉफिट है, और इस सुपर प्रॉफिट को क्या करना है, नंबर ऑफ ईयर्स पर जैसे मल्टीप्लाई कर देना है, और यहाँ पर 3 ईयर्स दे दिया है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा गुडविल निकालने के लिए, गुडविल इजकल टू 15,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 45,000 रुपया आपका आंसर आएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, 45,000 रुपया आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर है कि ठीक। लेकिन आप ध्यान में याद रखना कि कई बार आपको सीधे कैपिटल नहीं देगा, ठीक है। शुरू में कितना कैपिटल लगाया ये नहीं देगा, नहीं देगा तो क्या देगा, आप एक बात हमेशा याद रखना कि जितना कैपिटल प्लस लाइबिलिटी होता है उतना ही एसेट होता है, ठीक है। अगर आपको टोटल एसेट दे दिया और लाइबिलिटी दिया है तो एसेट में से लाइबिलिटी को माइनस करके तब कैपिटल निकालिएगा, ठीक है। ये लाइबिलिटी 0 है तो जितना एसेट है उतना ही कैपिटल होगा, क्लियर है क्या। आप मेरी बात समझ रहे हैं, बहुत बहुत छोटी सी बात है, बाकी ये समझ रहे हैं। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब ये है कि जितना आपने लगा उसका कितना परसेंट होता है प्रॉफिट। तो नॉर्मली 3 लाख लगा के 10% कमाते हैं लोग, लेकिन औसतन हम कितना कमा रहे हैं, 50,000, मतलब हम कितना ज़्यादा कमा रहे हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, 50,000 में 5,000 का रेमुनेशन भी है पार्टनर से जुड़ा हुआ, तो खर्चा हम अपने प्रॉफिट से माइनस करेंगे। तो जनरली हम 45,000 रुपया कमाते हैं, लेकिन लोग नॉर्मली कितना कमा रहे हैं, 30,000, और हम कितना कमा रहे हैं, 45,000। तो हम कितना ज़्यादा कमा रहे हैं, 15,000 ज़्यादा कमा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका सुपर प्रॉफिट है, और इसको नंबर ऑफ ईयर्स परचेस से मल्टीप्लाई कर लेंगे, अपना गुडविल आ जाएगा। बोलो है कि नहीं, समझ में आ रहा है, तो बिल्कुल आप नोट कर लीजिए इसे वीडियो को पॉज करके, क्लियर। तो आप एक रिवीजन का अलग से कॉपी बनाइए, टॉपिक वाइज मैं सारा रिवीजन करा रहा हूँ, अच्छे अच्छे क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, और जहाँ क्वेश्चन नहीं बता पा रहा हूँ वहाँ पे मैं कुछ टिप्स आपको दे रहा हूँ कि इस टाइप का क्वेश्चन अगर आएगा तो वो बना लेना, ठीक है, समझ रहे हैं। अगर आपको कैपिटल नहीं दिया है, एसेट दे दिया है, लाइबिलिटी दे दी है, तो एसेट में से लाइबिलिटी को माइनस कर देना, ठीक है, तो फिर आपका कैपिटल आ जाएगा, क्लियर है क्या। चलिए अब बढ़ेंगे हम लोग कैपिटलाइजेशन मेथड की तरफ, ठीक है। चलिए अब जरा इस क्वेश्चन को देखिए, और आपको कैपिटलाइजेशन मेथड की तरफ से आपको गुडविल निकाल कर बताना है। प्यारे बच्चों, बहुत आसान है, ध्यान से जरा देखना। कहता है कि आप गुडविल निकालिए। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि मैंने 4 लाख से बिजनेस शुरू किया था, और हमने इसको 4 लाख से बढ़ाते ही बढ़ाते आज मैं इस बिजनेस का वैल्यू 6 लाख कर चुका हूँ। तो आपने कितने का प्रतिष्ठा अर्न किया, कितने का गुडविल अर्न किया, तो 2 लाख का। आप ऐसे भी पता कर सकते हो, आप अपने कैपिटल के बढ़ते वैल्यू को भी देखकर पता कर सकते हो कि आप कितना प्रॉफिट, कितना गुडविल अर्न कर चुके हैं, कितना आपका गुडविल है, ठीक है ना भाई। आप समझिए ज़रा मेरी बात को, बेसिक सी बात आपको समझनी है। यहाँ पर कहता है कि आप औसतन 72,000 रुपया कमाते हैं, उस कैपिटल पे कमाते हैं जिसका रिटर्न 10,000 रुपया है, ठीक है। कैपिटल आपको नहीं पता है, तो कैपिटल आपको नहीं पता है, जिस कैपिटल पे आप 10,000 कमा रहे हैं उसका वैल्यू नहीं पता है, इसको कहते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू। क्या कहते हैं, कैपिटलाइज्ड वैल्यू आपको नहीं पता है, ठीक है। और कितना कमा रहे हैं आप इस पे, तो इस पे आप कमा रहे हैं 10%, और ये कितना कमा रहे हैं आप, 72,000 रुपया। तो आप तो ये पहले पता करो कि कैपिटलाइज वैल्यू क्या है। तो कैपिटलाइज वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, तो कैपिटलाइज वैल्यू निकालने के लिए इस 100 को उस पार करोगे 72,000 के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है, 72,000 के साथ मल्टीप्लाई, और 10 को नीचे करेंगे। इसलिए यहाँ पर कैपिटलाइज वैल्यू का आपको सीधे डायरेक्ट जो है आपको सूत्र लिखा दिया जाता है कि एपी निकालिए, गुने 100 करिए, और नीचे में रेट कर दीजिए, ये आ जाएगा कैपिटलाइज वैल्यू। ये अभी का वो कैपिटल आ जाएगा जिस पे आप इतना कमा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अभी आपको ये भी पता करना है कि पहले आपने कितना कैपिटल लगा रखा है, आपका कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है। लेकिन आपके पास अगर क्वेश्चन में कैपिटल नहीं दिया है, प्यारे बच्चों आपको याद रखना है कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इजकल टू एसेट होता है, ये हमेशा याद रखना है, ठीक है। ये अपने अकाउंटिंग का ABCD है, ठीक है, इसको कभी नहीं भूलना। कैपिटल नहीं पता है, आप क्या करोगे, कैपिटल निकालने के लिए इस एसेट में से इस लाइबिलिटी को माइनस कर दोगे, मतलब 8,70,000 रुपया है उसमें से 4 लाख रुपया आप माइनस कर देना, तो ये जो आ जाएगा वो 4,70,000 रुपया आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉय। अब मुझे ये बताओ, इसको काटोगे कितना आएगा, ये 7,20,000 रुपया आ जाएगा, ठीक है ना बच्चे। अभी अभी जो कैपिटल है उसका वैल्यू है 7,20,000 रुपया, हमने जब कैपिटल लगाया था उसका वैल्यू था 4,70,000 रुपया। सीधा सीधा गुडविल बताओ क्या हो जाएगा, तो सीधा सीधा गुडविल क्या हो जाएगा, तो 7,20,000 में से 4,70,000 रुपया ये माइनस कर दोगे, ठीक है, कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0,0,0,12 और 2,50,000 रुपया, ये आपका आंसर है, ठीक है, बहुत आसान है।
अब यहीं पर अगर एस पी वाला क्वेश्चन दिया रहता तो एस पी में तो कुछ है नहीं, सीधे एस पी निकालेंगे, गुने अनरेट करेंगे, नीचे में रेट करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ईजी है, ठीक। ये थोड़ा सा इसमें समझना है कि आपको कैपिटलाइज वैल्यू निकालना है, वो कैपिटलाइज वैल्यू निकालना है जिसका आप 10% कमा रहे हो, और ये कितना कमा रहे हो, 72,000 रुपये, ठीक है। तो ये कैपिटलाइज वैल्यू बराबर क्या हो जाएगा, 72,000 में 100 का मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड हो जाएगा, और ये हो जाएगा 7,20,000 रुपये। अभी कैपिटल इम्प्लाई जो आपका है, कैपिटल इम्प्लाई कितना किया था, तो टोटल एसेट 8,70,000, टोटल लाइबिलिटी 4,00,000 रुपया, तो कैपिटल इम्प्लाइड आपका है 4,70,000 रुपया, ठीक है। तो ये आपने आंसर निकाल लिया होगा, राइट ना। तो इस तरीके से आपका गुडविल यहीं पर आपको हमने सारे टॉपिक टच करके बताया, और किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं वो भी हमने आपको बताया। यही शॉर्ट रिविजन करने का तरीका है आपका, टॉपिक वाइज आपको पढ़ाऊँगा, मैं सारे टॉपिक से क्वेश्चन टच करूँगा, और आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, कि ये क्वेश्चन इस तरीके से बनता है। क्वेश्चन कहाँ से आएगा, किस बुक से आएगा, ये एग्जैक्ट नहीं बताया जा सकता है अभी आपको, ठीक है। बस आपको तैयारी रखनी है अपनी टॉपिक, किसी भी बुक से क्वेश्चन आ जाए, कहीं से क्वेश्चन आ जाए, खुद से बना के दे दे, यही बना कर देगा, और इसी को सेट कर देंगे, ठीक है, और सेट कर देंगे, क्वेश्चन बन जाएगा हमारा, राइट ना। तो ये आपको हमेशा माइंड सेट करनी है, अभी आपको माइंड सेट करनी है, पूछो कहाँ से पूछना, मैंने सारे टॉपिक रिवीजन कर लिया है, ठीक है, सारे टॉपिक के एक एक क्वेश्चन, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने कर लिया है, ठीक है। सारे टॉपिक से एक दो क्वेश्चन आपको रिवीजन कराता मैं चला जाऊँगा, जहाँ पे थोड़ा बहुत मुश्किल से टॉपिक है उसमें ज़्यादा समय दूंगा मैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराऊँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इस वीडियो को जरूर शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, अपने कॉलेज के ग्रुप में, और जितने अच्छे व्यूज आप देंगे उतनी जल्दी उतने अच्छे उतने बेहतर एनर्जी के साथ हम वापस आएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, और हाँ एक बार और हो सके तो इस वीडियो को रिमाइंड जरूर कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।